गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन दिस न्यू कोर्स। ये कोर्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, ठीक है। आप सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जितने ही बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, ठीक है, तो ताकि हम लोग ये क्लास फटाफट शुरू कर पाए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये दो तरह के हमारे पास होते हैं चैप्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। आप जब अभी तक बीएससी में होते हो तब तक आप इस बुक को पढ़ते हो, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिर जब आप एमएससी में आते हो तो वही बुक बन जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ही रोल होता है और उसी के बारे में ही हम लोग यूजली पढ़ा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। बट जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाओगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वही चीज थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है। और वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि पार्टिकल जो है ना वो बहुत ज्यादा ही वेलोसिटी से मूव करता है। इसे हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। उसमें चार्ज पार्टिकल जो होता है ना वो एक्सीलरेट होता है, ठीक है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ये बात समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले बता दूँ इस नए कोर्स के बारे में। मेरा नाम अक्षय जैन है और मैं अब आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। और ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है बेटा, ये CSIR UGC नेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि सबसे मेजर पार्ट यहाँ से कवर होता है। सेक्शन बी और सी दो तरह के सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं CSIR नेट में। अब इन दोनों सेक्शन में लगभग 8 सवाल का वेटेज तो होता है बी सेक्शन का और लगभग 7 क्वेश्चंस का वेटेज होता है सी सेक्शन। तो ये बुक CSIR नेट के हिसाब से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ये मान लीजिए कि क्वांटम के बाद में अगर सबसे इम्पोर्टेंट पेपर जो है आपका वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वांटम से ज़्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से पूछे जाते हैं। दूसरा है गेट का एग्जाम। गेट के एग्जाम में भी आप मिनिमम, आप ये मान लीजिए कि 10 सवाल आपको, मिनिमम 10 सवाल आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके मिल जाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। सेट के एग्जाम में देखो बच्चों, अलग अलग तरह से पैटर्न होता है हर एग्जाम का, हर स्टेट का अलग अलग सेट होता है। बट हाँ, मेजर पार्ट कवर करेगा, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वो सब इसमें कवर होता है चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड। जहां भी चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। चार्ज पार्टिकल की मोशन के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अलग अलग रोल प्ले होते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे चलता है, कैसे वो मूव करता है, क्या उसकी चीजें होती है, वो सब चीजें यहाँ पर कवर होने वाली है, ठीक है ना। YouTube पे ये वीडियो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है YouTube वाले जितने बंदे हैं अगर उनको ये कोर्स लेना है तो वो लोग मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो AJ फिजिक्स प्ले स्टोर पर जाके। और ये कोर्स मात्र 500 499, मतलब 1 रुपया भी बचा लो आप तो, ठीक है। आप पर वो मैं फालतू बिजनेस वाली चाल नहीं चलूँगा, 500 रुपये का कोर्स है, ठीक है ना। तो 500 रुपये में आप इस कोर्स को ले सकते हो पूरा आराम से। और 500 रुपये में लेके हर एग्जाम में इसको फायदा ले सकते हो। सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू में बहुत फायदा होगा। ये एक बार कोर्स लेने के बाद इन फ्यूचर अगर आप लोग कहीं पढ़ाते हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस कोर्स के माध्यम से होने वाला है, क्योंकि इस कोर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके और एडवांस कॉन्सेप्ट तक मैं पूरा आपको समझाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट तक, ठीक है ना। ये कोर्स इतना ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए कि आपको मज़ा आ जाएगा एक तरह से देख के, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस ये यहाँ पर चीज़ें होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो
₹500 वाला एक कोर्स शुरू करते हैं, हालांकि इसकी प्राइसिंग बहुत कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कोर्स में कुछ नहीं है, इस कोर्स में बहुत कुछ है। इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी बुक को पढ़ने की नीड नहीं है, किसी भी तरह की और नोट्स या और मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। जितना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उससे आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि ओवरलोड कर दूंगा, जितना आपके एग्जाम में काम आता है हम उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला है कि चार्ज पार्टिकल जो होता है इसी की मोशन, इसी का सब कुछ हम डिसाइड करने वाले होते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या रोल प्ले करेगा। देखो चार्ज पार्टिकल या तो एक पड़ा रहेगा एक जगह, अब मोशन ही नहीं करेगा, एक स्थिति बन जाएगी कि वो मोशन ही ना करे। दूसरी स्थिति ये है कि वो मोशन तो करे बट मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है उसकी, उसकी वेलोसिटी कुछ है बट हाँ एक्सेलरेशन उसका जीरो है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। और तीसरी स्थिति ये है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। इस बेसिस पे हम लोगों ने इस पूरी बुक को तीन पार्ट में स्प्लिट कर दिया। सबसे पहला पार्ट ये है कि जब चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में होगा, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा, तो उस स्थिति को समझने के लिए जो हम लोग फिजिक्स का एरिया पढ़ते हैं उस एरिया को इलेक्ट्रॉन स्टेट कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन स्टैटिकल स्टेट में है, स्टैटिकल का मतलब स्थिर अवस्था में, जब वेलोसिटी जीरो होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उस स्थिति को हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेबल स्टेट, वो कोई हलचल नहीं कर रहा, वो स्थिर अवस्था में है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। दूसरा होता है जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है वो सब 11th स्टेट की बात है, वो हमने बताएंगे 11th की बात है, रगड़ने से बिजली की खाल से वो सब तो ठीक है, यहाँ कोई नहीं पूछता। हाँ तो दूसरा ये है कि अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है ना वो जीरो नहीं है, मतलब उसकी जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर काउंटेबल होगी, ठीक है। तो वहां पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल हमेशा करंट डेवलप करता है, चलेगा इलेक्ट्रॉन तो करंट डेवलप करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो फिर उस चीज का स्टडी हमेशा हम कहाँ करते हैं बेटा, उस चीज का स्टडी हम लोग करते हैं मैग्नेटो स्टेट में, मैग्नेटो स्टेट के अंदर, मैग्नेटो स्टेट के अंदर हम इस चीज का स्टडी करा करते हैं, सबसे बड़ी बात। चलो थोड़ा सा इसको और एलिवेट करते हैं। आप देखना जब भी आप इलेक्ट्रोस्टेट के फॉर्मूले लिखेंगे तो वहां पर क्यू 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 बड़ा दिखेगा आपको। क्यू क्या है? दैट इज द चार्ज, क्योंकि हम लोग एक सिंपल चार्ज की बात करते हैं, हम एक स्टेटिस्टिकल चार्ज की बात करते हैं, हम यहाँ पर एक स्टेबल चार्ज की बात करते हैं। तो हर तरह के सूत्र में, हर तरह के फॉर्मूले के अंदर आपको यहाँ पर चार्ज दिखने वाला है, मतलब क्यू दिखने वाला है, ठीक है। दूसरा ये है जब हमारे पास चार्ज वेलोसिटी में होता है तो वो करंट डेवलप करता है, और जब करंट डेवलप करेगा तो आपको देखना मैग्नेटोस्टेट के फॉर्मूलाज में हर जगह आपको आई दिखा करेगा, हर जगह आपको आई दिखा करेगा, क्योंकि वो करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड आया और उसी को हम लोग थ्रू आउट हर जगह पढ़ने वाले हैं करंट को, सबसे बड़ी बात ये। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके। तीसरी बात अब एक्सेलरेटेड मोशन की बात, तो यहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड हो जाएंगे, जब दोनों को एक साथ स्टडी किया जाएगा, जब पार्टिकल ऐसा हो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर दे, लाइट वेव जनरेट कर दे, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो EM वेव करके तीसरा पार्ट हम लोग, इस EM वेव के बहुत सारे खेल होते हैं। अब ये EM वेव जो होती है ना, इसमें पार्टिकल की एक्सेलरेटेड मोशन भी काम करती है,
पार्टिकल जो है मूव करता है तो वो एक्सीलरेशन से मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें वहां पर होती है जहां पर मैक्सवेल इक्वेशंस काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो वो सारे कंसेप्ट वहां पर देखने को मिल जाते हैं, कहां पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो इसी बात का खुलासा करते हुए अब हम श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कोर्स का। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए, जो आपके नोट्स में आप बनाऊंगा, प्रॉपर नोट्स में बनवाऊंगा सारे। यूट्यूब पर भी अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग यूट्यूब वाले बच्चे भी आराम से नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको सारा का सारा नोट्स बनवा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ इवनिंग के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी शुरू करेंगे, तो वो भी आप लोग ले सकते हो, इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रो स्टैटिक सिंपल सी बात है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी होगा काम जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था हो, स्टेडी स्टेट हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाँ एक बात और समझा दूँ, कोई भी फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, हर तरह के फील्ड में, फील्ड का मतलब क्या होता है? देखो, फील्ड कुछ होता नहीं है। फील्ड यदि खेती बाड़ी कर रहे हो तो वो फील्ड हो गया, ऐसा फील्ड नहीं है। फील्ड मतलब एक एनवायरमेंट, एक वातावरण जहाँ पर वर्चुअली उसकी फोर्स ऑफ लाइंस, उसकी इमेजिन करने वाली बल रेखाएं, इमेजिनेशन वाली बल रेखाएं अवेलेबल हो। जैसे मान लो घर है, घर में तुम्हारी मम्मी का बहुत बड़ा प्रभाव है। मम्मी जहाँ से आवाज लगा तुम घर तुम्हारे पहुंच जाओगे। ठीक है ना? भले ही मम्मी तुमको दिखती नहीं है पर उसका प्रभाव पूरे घर में रहता है। ठीक है ना? डर रहता है एक घर मम्मी का, ठीक है, मम्मी का या पापा का, जो भी आपके घर में, जिससे भी आप डरते हो, तो वो उसका प्रभाव क्षेत्र है। घर के अंदर अगर आप हो तो आप मम्मी के फील्ड में हो। ठीक है ना? उनकी बल रेखाएं, उनका डर, उनकी चीजें एनवायरनमेंट में घूम रही है, घर वाले एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो वो एक फील्ड कहलाएगा, मम्मी का फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस एक पर्टिकुलर रीजन में फैली हुई रहती है, एक पर्टिकुलर रीजन में फैली हुई रहती है, एक निश्चित सीमा में फैली हुई रहती है, उसे फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का एक नाम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस आपके आसपास है। आती कहाँ से ये बल रेखा है, क्यों उत्पन्न होता है ये फील्ड? वो होता है चार्ज की वजह से। एक स्टैटिक चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो बल रेखाएं निकालता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ड्यू टू देखो, तो ईडी के अंदर ना क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके सवालों पे ज्यादा ध्यान देना आप लोग, है ना। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, एक फॉर्मूला जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जनरेट करता है बेटा, ये डेवलप करेगा। तो ये डेवलप ऐसे करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जस्ट लाइक दिस। तो देखो, इसकी जो बल रेखा है ना, जो फोर्स ऑफ लाइन है, पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई, तो इनमें फैलाव हो रहा है, ये फैल रही है अपने चारों तरफ, ये अपनी जो बल रेखा है ये डेवलप कर रहा है, ये फैला रहा है, ये जो बल रेखा है फैल रही है। तो बल रेखाओं के इस तरह से फैलने की नेचर को डाइवर्जेंसिंग नेचर कहा जाता है।
डाइवर्जिंग नेचर मतलब होता है डाइवर्ज होना, मतलब कि फैलना। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस है, जो बल रेखा होती है बेटा, वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, फैलती है। तो इस तरीके से एक बहुत सिंपल सा डायग्राम से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति समझा सकता हूँ। सो दिस इज द उत्पत्ति ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो ये अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइवर्ज करता है, उसको फैला देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है बेटा, डाइवर्जिंग नेचर होता है। तो मैथमेटिकली डाइवर्जिंग को क्या लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल डाइवर्जिंग को हम लोग क्या लिखते हैं इस तरीके से, मैं पहले एक लाइन लिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हैव डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। इसका मतलब ये है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो डाइवर्जेंस को इस तरीके से लिखा जाता है, डेल डॉट ई वेक्टर। देखो डेल क्या होता है, अगर कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो डेल जो होता है ना, वो एक स्थिति के सापेक्ष अवकलन होता है, स्थिति के सापेक्ष अवकलन। जैसे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, अगर आप एक्स वाई जेड में हो, तो दिस इज सिंपली डिनोटेड द चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, दैट्स कॉल्ड द डेल, दैट्स कॉल्ड द डेल ऑपरेटर, ठीक है। सो डेल ऑपरेटर जो होता है बेटा, वो उसी तरह के नेचर को प्रदर्शित कर सकता है, उसे हम डेल ऑपरेटर का नाम दिया करते हैं, उसे हम डेल ऑपरेटर का नाम दिया करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि अगर ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो फिर कुछ तो वैल्यू होती होगी इसकी। हाँ तो बेटा, इसकी वैल्यू मैक्सवेल इक्वेशन से दी जाती है। तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या होती है, वो चार्ज पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी बटा उसका वैक्यूम परमिटिविटी। अगर वैक्यूम है तो ठीक है, अगर वैक्यूम में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरा ये कि इसी फील्ड में होगा परमिटिविटी, तो ये परमिटिविटी कहलाता है, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात दूसरी प्रॉपर्टी की ये है कि अगर मान लो ये डाइवर्जिंग नेचर का नहीं होता होता है, तो फिर एक और वर्ड होता है कर्ली नेचर। कर्ली मतलब होता है घूमना, जैसे किसी लड़की के बाल कर्ल बाल होते ना, तो आप बोलते हो लड़की ये कर्ल बाल है, तो कर्ल मतलब होता है घूमना। तो भैया अगर ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो ये कर्ली नेचर का नहीं होता, तो इसका कर्ल जीरो होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ई। इसे हम क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो होता है वो इसका जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ मात्रा में होता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हैव डाइवर्जिंग इन नेचर, मतलब वो फैलता है, इसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होता। दूसरा उसका कर्ल जीरो होता है, मतलब वो घूमता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल अवेलेबल होता है और वो डाइवर्जिंग नेचर को जीरो मानता है अपने आप के। चलिए ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टैटिक है, मतलब चार्ज केवल रुका हुआ है, देखो दो तरह की नेचर होती है। अगर मान लो चार्ज चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से समझा जाता है। तो जब चार्ज चलता है, जब चार्ज चलता है तो वहां पर कर्ल ऑफ ई को जीरो नहीं मान सकते। उसका कारण यह है कि कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा फेराडे ने कहा था। तो ये फेराडे ने जब कहा था ना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो विद्युत वाहक बल से वहां में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति का अलग कारण है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हो रहा है वो एक स्टैटिक चार्ज की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो जब चार्ज स्टैटिक होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की वजह से उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है।
तो इस स्थिति में वो इरोटेशनल नेचर का होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इरोटेशनल? जो रोटेशन का ऑपोजिट होता है उसे इरोटेशन कहते हैं. रोटेशन मतलब घूमना, इरोटेशन मतलब नहीं घूमना, सिंपल सी बात है. सो इरोटेशन इज नथिंग, दैट इज केवल इरोटेशन, बहुत सिंपल है. तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज स्टैटिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्टैटिक चार्ज की वजह से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं दिस फील्ड मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक स्टैटिक चार्ज की वजह से उत्पन्न हुआ है, उस फील्ड की बात कर रहा हूं मैं. दिस फील्ड इरोटेशनल. ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली इसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, स्टैटिक चार्ज की वजह से. इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, मतलब उसका कर्ण जो है वो जीरो आएगा. कर्ल डाइवर्जेंस वगैरह वगैरह आपको समझा देंगे, आप चिंता मत करना, है ना, वो सब समझा दूंगा मैं. कर्ल लिख के निकालते, डाइवर्जेंस से निकालते हैं ना. अब एक चीज और समझना, जिस भी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है ना बेटा, जिस भी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है वो सेंटर फोर्स प्रॉब्लम कहलाती है. अब ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम क्या होती है? एक ऐसी फोर्स ऑफ लाइंस या एक ऐसे फोर्सेस होते हैं सेंट्रल फोर्सेस जिनका कर्ल जीरो होता है, और वो केवल और केवल आर डिपेंडेंट होते हैं, थीटा और फाई डिपेंडेंट नहीं होते हैं. मतलब केवल रेडियल डिपेंडेंसी वहां पर होती है, एंगुलर डिपेंडेंसी नहीं होती है. और दूसरा ये कि पाथ से इंडिपेंडेंट भी होते हैं. सबसे जरूरी चीज ये है, इस तरह के फील्ड जो होता है, इस तरह के फोर्स जो होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं. सो फील्ड्स आर, फील्ड्स आर पाथ इंडिपेंडेंट. पाथ इंडिपेंडेंट इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेट डिपेंड होगा, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं. सो स्टेट डिपेंडेंट एंड स्टेट डिपेंड समझने की बात. अगला ये है बेसिकली, अब बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो ये केवल आर डिपेंडेंट होता है, इसमें थीटा और फाई डिपेंडेंस नहीं होती, बिकॉज कर्ल जीरो होता है ना, ठीक है, इस वजह से. और इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है. ये आप क्लासिकल के अंदर पढ़ेंगे, जब आप सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्लेनेटरी मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीज मिल जाती है आराम से देखने को कि वो सेंट्रल फोर्सेस में ऐसा होता है. सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है इनका वो कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. याद रखना इस बात का कि वहां पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऐसा आपका कंजर्व रहेगा. अब होता क्या है, इसमें सिंक और सोर्स अवेलेबल होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंक और सोर्स होता है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैव, इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सोर्स सोर्स एंड सिंक. इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सोर्स भी होता है और सिंक भी होता है. सोर्स मतलब उसकी उत्पत्ति का कारण है, जहां से वो उत्पन्न होता है, और सिंक मतलब जहां पे वो खत्म होता है, उसके खत्म होने का कारण वो सिंक कहलाता है. उत्पत्ति का कारण और खत्म होने का कारण को सोर्स और सिंक कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है. तो यहां पर हमारे पास ये बात हो सकती है, यहां लिख लो,
सोर्स मतलब होता है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, और सिंक मतलब माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू इसलिए क्योंकि इस चार्ज पैक वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कन्वर्जिव नेचर का होता है वो, जैसे उल्टी उल्टा हो जाता है, मतलब ऐसा ऐसा होता है वो। वहाँ तो क्या फेल रहा है वो, यहाँ पे सिकुड़ेगा, तो माइनस चार्ज पे आके सारी फोर्स ऑफ लाइन ऐसी सिकुड़ जाती है, तो उल्टी रेखा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज समझ जाओ आप लोग, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, तो उल्टा होता है मामला। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलाता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को सिकोड़ता है, कन्वर्ज करता है, तो वो कन्वर्जिंग नेचर का वहां पर ट्रीट होता है, ठीक है ना। तो कंक्लूसिवली क्या हो जाएगा, एक लाइन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करूं तो लिखो, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, that is the electric field at any point due to a stationary charge, या अ मत लिखो क्योंकि एक चार्ज नहीं होता, बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वो एड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी के बड़ा आजकल प्रचलन में, स्कूल खुल गए ना, बड़ी स्टेशनरी बिक रही है। स्टेशनरी चार्जेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इज कॉल्ड एज is called an electrostatic field, is called an electrostatic field। समझ जाओ बात को, बात बड़ी सिंपल सी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। अब मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी जानकारी क्या क्या थी। तो सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर वन, One of this is an impossible electrostatic field. इनमें से कोई से एक आपको छांटना है। One of this is an impossible electrostatic field. Impossible electrostatic field, ये आपको एक छांटना है, find it, ठीक है ना, आपको find करना है option। ओके, इसमें कुछ मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है दिस, E vector is equal to K x y x cap plus 2 y z y cap। ये तो खैर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कार्टेशियन में तो कर्ल निकालना बड़ा आसान होता है। कार्टेशियन में वैसे ज़्यादातर आएगी नहीं चीज़ें आपके, मैक्सिमम चीज़ें स्फेरिकल लिमिट में आएगी, बट हाँ अभी आपकी शुरुआत इसकी मैं कार्टेशियन में लिख रहा हूँ। तीन तरह के होते हैं मैनली कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो ईडी के अंदर मैक्सिमम सवाल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आते हैं, जिसमें आर थीटा फाई का खासा रोल होता है, आर थीटा फाई का खासा रोल होता है, तो उस तरह से वो निकलते हैं। वो भी सिखाएंगे आपको धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। 2xy प्लस z स्क्वायर एंड y कैप प्लस 2yz,
इसके लिए आपको टेस्ट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कौन सा इम्पॉसिबल है। तो हम लोग कर्ल निकालेंगे, जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल। टू चेक पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज द कंडीशन पॉसिबल मिल गया तो फिर इम्पॉसिबल मिल जाएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए पॉसिबल के लिए। तो पहले हम पहला सवाल करते हैं, इसका कर्ल निकालते हैं। चलो कर्ल निकालने की कोशिश करते हैं, जीरो आ रहा नहीं आ रहा। तो कर्ल निकालना बड़ा आसान है, ये तो खैर कार्टिशन है तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कार्टिशन में कर्ल निकालना, देखो डेल अपॉन, जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि डेल्टा जो होता है ना वो एक स्थिति ऑपरेटर होता है, स्थिति संकारक होता है, पोजीशन ऑपरेटर होता है। डेल अपॉन डेल एक्स आई के डायरेक्शन में, जे के एफ के अंदर डेल अपॉन डेल वाई, और के एफ के अंदर डेल अपॉन डेल जेड करके स्थिति हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें, सो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि पहले ये आ रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो पहले इसको लिखेंगे, इसके इसके घटक इसके कॉम्पोनेंट लिखेंगे, फिर इसके कॉम्पोनेंट लिखेंगे ई वेक्टर के, जिसके कॉम्पोनेंट है के एक्स वाई एक्स के कॉम्पोनेंट और के टू वाई जेड ये जे के कॉम्पोनेंट है, और के थ्री जेड एक्स ये के कॉम्पोनेंट है। बस आपको खैर निकालना आता है, ये क्रॉस निकालने का सिंपल तरीका है। पहले आई केप ले लेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब कि क्या होता है बेटा, डेल अपॉन डेल एक्स पी के जेड एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड कर देंगे, और फिर के टू वाई जेड, बस ऐसे ही। फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं अगली बार में, फिर जे के एफ का काम लिखते हैं, तो फिर ये वाला काम खत्म है, इसको मिटा देते हैं। फिर अब अगला काम जो है, जे के एफ वाली कॉलम को छोड़ दो, इस वाले को हटा दो। इसको हटाने के बाद में आपको फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको इससे, पहले इसको करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, डेल अपॉन डेल एक्स कर देते हैं और के थ्री जेड एक्स कर देते हैं, फिर माइनस डेल अपॉन डेल वाई कर देंगे, तो के एक्स वाई कर देंगे, बस इसका काम खत्म हो गया। तो फिर इसको हटा देंगे बेटा, फिर इसको हटा देंगे, और फिर हम लोग अगला काम लेंगे के एफ के लिए। तो फिर प्लस आ गया, माइनस आ गया, फिर वापस से प्लस हम लोग ले लेते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस। तो फिर ये पूरी रो जाएगी, इसका कॉलम जाएगा, तो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स के टू वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई के एक्स वाई, दैट्स इट। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को ये करना है कि ये y के रेस्पेक्ट में जीरो का अवकलन, क्योंकि y का कोई पद है नहीं, और y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। यहाँ पे z का कुछ अवेलेबल होगा, इसलिए माइनस का हम k 2y तक रखते हैं, तो z का z के रेस्पेक्ट में अवकलन वन होता है, बाकी सब कांस्टेंट है z के अलावा। तो ये मेरे पास हो गया, फिर माइनस जे कैप, यहाँ पर x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, तो के 3z बाहर आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर y है तो के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस के गैप, यहाँ देखो बेटा यहाँ पे x का कोई पद नहीं है इसलिए जीरो जाएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का के एक्स लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो जीरो होगा ही नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक इम्पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर समस्या हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैटेगरी में ये काउंट हो जाएगा, ठीक है।
अब फटाफट से दूसरा वाला सवाल आप लोग मुझे करके बताओ, क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? जैसे मैंने ये करके दिखाया ना आपको कि ये इम्पॉसिबल एटीट्यूड है, ऐसे ये बी नंबर का सवाल, ये वाला आप मुझे चेक करो, क्या ये पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या इम्पॉसिबल है? मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ चेक करने के लिए। यूट्यूब वाले बच्चे भी लाइव मेरे साथ हाथों हाथ करते जाओ। कि यार लाइव पढ़ेंगे तो सही रहेगा उनके लिए ना, ऐसे क्या है कि अगर वो रिकॉर्डिंग से देखेंगे ना तो ईडी में मजा नहीं आता। सब बच्चे अगर लाइव होते ना तो फिर ज्यादा समझ में आती है ईडी। ओके चलिए, तो बच्चों आपका टाइम खत्म होता है। ई वेक्टर आपका मैंने आपको दिया था वाई के वाई स्क्वायर एक्स के प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर y के प्लस 2yzz2, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। अगर आप लोग, मैं इसका आंसर दे दूं, ये एक पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका अगर आप कर्ल निकालोगे तो बेशक वो जीरो आएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगा। आज अभी अगर जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया है वो कल तक ट्राई कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। तो ऐसे ही कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ सवाल आपको करने को दूंगा, फिर बाद में आपके करने के बाद सॉल्यूशंस मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से सिंपली हम ये बात बोल सकते हैं। ओके सो अगर मैं बी की बात करूं, सो फॉर द बी क्वेश्चन द कर्ल ऑफ E will be zero, that is this is possible electric field, this is possible electric field, this is possible electric field। ठीक है, अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज दिखाने वाला हूं, वो बड़ी चीज है कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में बड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसको समझेंगे, इसकी वेक्टर चीजों को समझेंगे। आप लोगों ने शायद 12th के अंदर इसको समझा नहीं होगा, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कूलॉम्स लॉ के बारे में। उसके सवाल बड़े आते हैं, हर तरह के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पीजीटी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी लेवल का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, नेट का, गेट का, चेस्ट का, कूलॉम्स लॉ से सवाल हर जगह आते हैं। अब समस्या ये कि आपको क्वेश्चन को समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है कूलॉम लॉ के। देखो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कूलॉम फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ही लगता है। जो चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में होता है, स्टैटिक स्टेट में होता है, उनमें ये फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलॉम फोर्स बोलते हैं, और यही कूलॉम लॉ के अंदर आता है। कूलॉम्स लॉ
होता क्या है, ये लोग आपको खैर पता है कि दो चार्ज पार्टिकल या दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, और उनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आएगी बात? तो ये तो खैर आपको पता है कि कूलॉम्ब्स लॉ की बेसिक कंसेप्ट क्या है। ओके सो समझते हैं, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, देखो पॉइंट चार्जेस बहुत सारे हो सकते हैं बट हाँ किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, फिर बाकी के बीच में हम लोग फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। तो लिखो फोर्स बिटवीन two point charges force between two point charges is directly proportional to the is directly proportional to the product of magnitude of product of magnitude of charges। सिंपल सी बात है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. Square of the distance between them, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स की प्रोपोर्शन, मतलब कि 1/r² के प्रोपोर्शन हो जाएगा वो. सिंपल सी बात है. अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का हो जाएगा. सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ठीक है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. इट्स वेरी सिंपल थिंग. ठीक है ना, बहुत सिंपल थिंग है ये कि ये फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में. इसमें ऑब्वियसली बात है, करल निकालो तो जीरो आएगा, बिकॉज वो केवल आर डिपेंडेंट होता है. बहुत सारी बातें इंटरकनेक्ट है. कंजर्वेटिव का मतलब करल जीरो होगा, करल जीरो मतलब कि आर डिपेंडेंट वो होगा, केवल और केवल आर डिपेंडेंट. ठीक है, और ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है. सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है,
बताता हूँ मैं आपको, इस फोर्स में डायरेक्शन जो होगी ना, देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है और हर फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। अब चूंकि ये फोर्स प्योरली आर डिपेंडेंट है, थीटा और फाई डिपेंडेंट है नहीं, तो इस तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो आर की डायरेक्शन में होने वाली है। अब हमारे पास जो फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो फोर्स फील करता है उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमें उसके ऊपर फोर्स निकालना पड़ता है। तो टेस्ट चार्ज मैंने मान लिया कैपिटल क्यू है, और सोर्स चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो है बहुत सारे चार्जेस है। मान लो ये क्यू वन है, मान लो क्यू टू है, मान लो क्यू थ्री है, ऐसे एन नंबर ऑफ चार्जेस है। मान लो क्यू एन तक चार्ज हमारे पास है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लो आर वन है, फिर देख लो आर टू है, फिर मान लो आर एन तक भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस बहुत सारे तरह के फोर्स लगा रहे हैं। पहला चार्ज लगाएगा क्यू वन फोर्स, दूसरा लगाएगा क्यू टू फोर्स। तो ऐसे मैं मान लेता हूँ कि क्यू वन के द्वारा कैपिटल क्यू पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, मान लो एफ वन हो जाए। सो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू वन, देखो इस लैंग्वेज का मतलब मैं आपको समझा दूं, इस लैंग्वेज का मतलब सिंपल सा होता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर के बारे में आपको बताऊंगा मैं क्या होता है, के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये आर के डायरेक्शन में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे काम करेगा। सो फोर्स ऑन Q due to Q1, ठीक है ना। सो F1 is equal to कितना हो जाएगा, F Q1, सॉरी K, मतलब यहाँ पर K जो है वो हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, को समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। सो K Q1 Q upon R1 square in the same way force on Q due to Q2, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू टू, तो वो हो जाएगा एफ टू। सो के क्यू टू क्यू अपॉन आर टू स्क्वायर, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ऐसे एन नंबर ऑफ फोर्स चार्जेस है हमारे पास, सो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो एड हो जाएगा, याद रखना, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू, ये निकलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के माध्यम से। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन तक ही जाएगा, और सबको अगर हम ऐड कर देंगे ना तो क्यू तो सब में कांस्टेंट आएगा, सबको ऐड कर दोगे तो समीशन लगा सकते हो आप, I इज इक्वल टू वन से लेके एन तक लगा दो, और K अब Q1 Q2 Q3 हो जाएगा तो ओबीसी बात है इसको क्यू आई लिख दूंगा मैं, अपॉन सबकी डिस्टेंसेस भी है R1 R2 R3 तो मैं आर आई लिख दूंगा सबको ऐड करके, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा आर आई क्या, सिंपल है। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं क्यू वन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है जिससे कैपिटल क्यू पर फोर्स लग रहा है इस तरीके से। तो ये मेरे पास हो जाएगा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहाँ पर डेफिनेशन में आपको लिखा सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो जाएगा समेशन ऑफ सभी चार्जेस का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लो पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इस तरीके से अलग अलग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन भी क्या हो जाएगा आर के एफ के अलॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी आपके बाद, है ना, इसके सवाल भी हम करेंगे वो भी आपको स्लोली स्लोली समझ में आएंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा कल करेंगे, आज की क्लास में ही ख़त्म करते हैं।
और कूलम्ब फोर्स को हम कल आगे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।